जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज एडिबल ऑयल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मेरिको, जो लगभग टॉप से 20% डाउन है। एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड भी बिजनेस मॉडल है, लगभग टॉप से 20% डाउन है। कंसोलिडेट पेज चल रहा है, कंसोलिडेट पेज को अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है और मेजर सपोर्ट के पास में ही है, तो वहां पर कोई वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पर बाइंग टीआरएस में मिलता है तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक दो साल का नजरिया हो तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को अपने को ध्यान रखना चाहिए, जहां से ब्रेकआउट होगा, कहां से रिवर्स हो सकता है, तो डिटेल्स इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये मेरिको का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए पहले एक अप ट्रेंड था, ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है, मार्केट में लिस्टेड हुई थी, होने के बाद हम देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में कोविड के टाइम एक कंसोल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड मतलब करेक्शन आई और फिर ऊपर की तरफ वापस चल दिया स्टार्ट, तो एक अप ट्रेंड का स्टॉक था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो न तो ये डाउन ट्रेंड का है, एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि चार्ट में ये टॉप लगाया था, इसने टॉप लगाया था अक्टूबर 21 के लगभग मतलब ढाई साल हो गए, ढाई साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया इसने। एक रेजिस्टेंस के पास में एक जोन टाइप का पैटर्न बना रखा है, मैं बता देता हूं कि जोन रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही लेवल हो जाते हैं। जोन बनेगा, जोन बन रहा है तो जोन को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस जोन के पास में अब कहीं भी आ सकता है। और ऊपर की बात की जाए तो ये एक इसका ऊपर की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जब तक इस जोन के अंदर रहेगा, जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी मूवमेंट आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला, उसका रीजन देखिए। यहाँ पर एक तो पहली चीज अच्छी रैली दे दी, तो रैली देने के बाद में पॉसिबिलिटी बनती है कि कंसोलिडेट होगा, प्राइस को एडजस्ट करने के लिए कंसोलिडेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये कंसोलिडेट के पास में सपोर्ट के पास में आ रहा है। तो अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, किस तरह से करनी हो, तो केवल इस सपोर्ट के पास में आके ये जो लेवल बने हुए हैं, एक मैं जोन और बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प और मिल सकती है। ये देखिए थोड़ा सी ये इस तीन लाइन हमने ड्रॉ करी, इस तीनों लाइन के पास में कहीं भी टच करके, ठीक है, इस ट्रेड लाइन, इस जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके पास में आके कोई भी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरएसपी भी देता है, तो यहाँ पर केवल एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकता है। और फिर बाद ऊपर के देखो तो रेजिस्टेंस लेगा, दो आर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि एक दो आर और लेने की पॉसिबिलिटी है। जब तक कोई भी रेजिस्टेंस होता है वो तीन बार मतलब कि तीन चार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता, तब तक टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बनती है। ऐसा नहीं कि पहली बार टेस्ट किया और उसको नीचे मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन भी हो टूट जाते हैं, नहीं पॉसिबल ऐसा। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इस लेवल पे आते हैं, इस लेवल के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है वीकली टाइम फ्रेम में तो या मंथली टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है और सबसे बेस्ट रहेगा मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आके तो प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। अभी एक ये मेन ये है कि यहाँ का इससे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो किस तरह से ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट करने का तरीका हम सबको पता है कि जैसे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जाते ही एक बार उसको रेजिस्टेंस 100% मिलेगा। फिर रेजिस्टेंस अगर बाई चांस ऊपर की तरफ या तो फिर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी मिल जाएगा, फिर नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकता है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी मिलता है, तब इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और बन सकती है, ठीक है। इस लेवल को पार करना जरूरी है, प्राइस लगभग 620 के लगभग आप मान सकते हो, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। अदरवाइज जो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, इस लेवल पर अगर कोई वीकली मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी भी देता है तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका चार्ट को और देखेंगे, थोड़ा दो तीन सपोर्ट और है, उससे पहले अपन देखिए इसका फंडामेंटल देख लें कि किस तरह से ये देखिए ये सबसे ये जो एक तो मतलब किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेरिको लिमिटेड वन लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑपरेटिंग ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस मतलब कि ब्यूटी केयर से रिलेटेड, और 25 कंट्रीज में इसका बिजनेस मॉडल है, ठीक है, अक्रॉस द 25 एशिया और अफ्रीका में भी है। इस बाद में न्यूट्रली लीडिंग ब्रांड अक्रॉस कैटेगरी केयर, स्किन केयर, इलिव और एडिबल ऑयल, हेल्थी फूड और मेल ग्रूमिंग और फैब्रिक केयर। तो इस सेक्टर से रिलेटेड आप देख सकते हो कि इसमें हेयर केयर आ जाता है, स्किन केयर आ जाता है, एडिबल जो खाने का ऑयल है वो हेल्थ फूड से रिलेटेड ही इसका मतलब बिजनेस मॉडल है, इसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक बार चार्ट में इसमें अपन इसकी साइट पर जाके देख लेते हैं कि किस तरह के इसके ब्रांड और हैं। देखो ब्रांड भी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्रांड अबाउट इसमें देखेंगे तो ब्रांड इसमें देख सकते हो कि वी मेक डिफरेंट कंज्यूमर थ्रोट प्रोडक्ट, इसका जस्ट फॉर बेबी हेयर, हेयर क्लोस, और बाद में रेंज ब्लैक चिन
ग्रेस, ब्लैक चिन, ये जिस तरह के ये भी आते हैं आप देखें, इस तरह के आप इसमें साउथ वाले लेडीज का भी इसमें फोटो है। तो इस तरह के केयर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। और एक दूसरा अपन जो पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट नहीं सही, इसका और भी आता है ना पैरासूट, सॉरी पैरासूट जो एक तेल आता है वो भी इसका मेरिको का भी आता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब इससे बाद में अपन देख लेते हैं इसके फंडामेंटल, फंडामेंटल की बात की जाए तो मार्केट कैप है 65,430 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 506 है, हाई गया इसका 595 और लो गया 463। स्टॉक पी है 44 है। बाद में आरओसी इसका 41% है, आरओई इसका 35% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो इस तरह का इसके ये डिटेल हो गई। अब इसका अपन देख लेते हैं दूसरी कंपनियां, पतंजलि फूड है, अदानी विल्मर है, तो मतलब ऑयल सेक्टर से एडेबल ऑयल है, खाने का ऑयल है उससे ज़्यादा रिलेटेड है। हेयर केयर से भी, हेयर का भी तेल का सब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए इसका अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल में देखिए जून सितंबर दिसंबर का, जून का कितना 2477 है, बाद में 2476 है, बाद में 2422 है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1903 है, बाद में 1979 है, बाद में 1907 है। तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार कर लेते हैं अपन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 436 था, बाद में 360 हो गया और 86 है। तो ये देख सकते हो कि अब की बार पहले वाले क्वार्टरली रिजल्ट से थोड़ा बहुत ही नेट प्रॉफिट में इंक्रीज होके आया है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 129 करोड़ का है। करंट रिजर्व इसकी बात की बात है, इक्विटी के रिजर्व इसके पास में 4087 है। बोरिंग कर्जा 493 है, तो कर्जा ज़्यादा है नहीं। और ये लाइबिलिटीज और असेट आ गई, ये आपको सबको पता है चीज़ें। बैलेंस ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 59% की है, एफआईएस के पास में 25% है, डीआईएस के 9% है और पब्लिक भी 5% है। बहुत कम मतलब ठीक ठाक होल्डिंग है और 3,16,579 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आते हैं तो फंडामेंटल का अगर कंक्लूजन निकाले तो फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत बढ़ गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ जाए। तो अगर इस तरह से जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट टाइप के चल रहे हैं, ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर इस लेवल पर आता है तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए इससे पहले मैं आपको 200 मूविंग एवरेज भी है, ये लाइन तो रहने देता हूँ, 200 मूविंग एवरेज भी मैं लगा लेता हूँ जिससे कि अपने को पता चल जाए। 200 मूविंग एवरेज का मतलब है कि कोई भी स्टॉक रहता है ऊपर जाएगा तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सी ये देखिए 200 मूविंग एवरेज यहाँ इस सपोर्ट के पास में हमारा डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर है, सपोर्ट ले सकता है। और दूसरा डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसके कंसोलिडेट चल रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं ले रहा है, सॉरी, तो 200 मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पर आके यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और जो हमारे पहले के जगह यहाँ पर सपोर्ट बने वो भी सपोर्ट है और 200 मूविंग एवरेज का भी ले सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं मेरे हिसाब से। जो अगर वीडियो का कंक्लूजन निकले, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ी कुछ है नहीं, अपने को ध्यान रखना इस सपोर्ट पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, इसको ब्रेकआउट करता है पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, तब इसमें अच्छा मूवमेंट रैली आएगी, इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर सकता, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही किया जा सकता है। अगर यहाँ आके फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी करके फिर ऊपर जाता है तो सेलिंग टीआरसीपी दे देता है, तो अपने को फिर बाद में थोड़ा रुक सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन इस लेवल को 600 और 450 के लगभग रहेगा, इस लेवल को पार करना जरूरी है, जब तक नहीं करेगा तब कंसोलिडेट हो सकता है, 2.5 साल से है, 5-6 महीने और रह सकता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, बाद में हम और अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।